Rahim, today we will discuss the topic about the kidney disorder, kidney के बारे में, मतलब kidney के साथ जो disorder related है, so उसके बारे में आज हम मतलब बात करेंगे. So सबसे पहले disorder किसे कहते हैं? So disorder कहते हैं the improper working of organs, the improper working of any organ in a body, उसे कहते हैं डिसऑर्डर. सो उसके और अगर उस डिसऑर्डर का ताल्लुक जो ना किडनीज के साथ हो, सो उसे हम मतलब किडनीज डिसऑर्डर कहते हैं. एज वी नो दैट किडनी एक ऑर्गन है. किडनी बजाते हो क्या है, ये एक ऑर्गन है जो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए और इसके अलावा यूरिन फॉर्मेशन के लिए. सो द मेन वर्किंग आपको मतलब ब्लड प्यूरिफाइड करना, ब्लड को मतलब प्यूरिफाइड करना, उसको मतलब फिल्टर करना. सो दिस इज द वर्किंग ऑफ किडनी. उसके अलावा सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट्स की कंसंट्रेशन, सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को मतलब उसको मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को मतलब बैलेंस में रखना. सो दिस इज द वर्किंग ऑफ किडनी. और उसके अलावा थर्ड नंबर जो रूल है वो क्या है, यूरिन फॉर्मेशन है. क्या है, यूरिन फॉर्मेशन है, मतलब यूरिन को कैरी आउट करना. सो दिस इज द वर्किंग ऑफ किडनी. जब किडनी के अंदर कोई ऐसी मतलब चेंजेस आ जाए, मतलब जब इसकी जो नॉर्मल कंडीशन हो, मतलब ब्लड की प्योरीफिकेशन का अमल हो, या उसके अलावा मतलब सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना हो, या यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस हो, उसमें कोई चेंज आ जाए, मतलब नॉर्मल से मतलब एबनॉर्मल हो जाए, या ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, इस कंडीशन को हम कहते हैं द डिसऑर्डर ऑफ किडनीज, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है किस चीज़ के साथ है, किडनीज के साथ है. सो किडनी डिसऑर्डर में जो मेन डिसऑर्डर है वो मतलब दो किस्म के हैं. सो एक को कहते हैं किडनी स्टोन्स और दूसरे को कहते हैं रीनल फेल्योर. So there are two types of disorder. We will discuss the two types of disorder related to the kidney. The first one is the kidney stones. पहला वाला जो है ना उसे कहते हैं kidney stones. As the name indicates, kidney stone. So as the name indicates, stone कहते हैं solid material को, मतलब उसको stone कहते हैं. जब अगर उसका ताल्लुक जो है ना kidneys के साथ हो, उसको हम kidney stones कहते हैं. So as we know that मिसाल के तौर पर this is a human kidney, a human kidney है. And human kidney consists of different types of blood vessels, pyramids, nephrons. The basic unit of kidneys is located inside a kidney. उसमें मौजूद होती है. So when we eat balanced diet से मतलब ये, अगर हमारी जो ग़िज़ा मतलब खुराक हो वो बैलेंस हो. बैलेंस मीन उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल के जितने भी हो, उसका मकदार जो है ना वाटर वगैरह नॉर्मल हो, सो देन आवर सिस्टम विल बी अनॉर्मल. इफ़ वी ईट अनबैलेंस्ड डाइट, मतलब हमारी ग़िज़ा ऐसे हो जो अनबैलेंस हो. अनबैलेंस मीन किसी चीज़ की कमी हो या किसी चीज़ की मतलब हद से ज़्यादा हो. वी नो दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी बैड. सो उससे ह्यूमन बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मतलब चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की डिजीज मतलब काज होती है मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर. और उन डिजीज में एक मतलब किडनी स्टोन का डिजीज़ है. सो मिसाल के तौर पर यह किडनी है. सो वेन वी ईट फूड जिसमें मतलब मेजॉरिटी मिनरल्स मौजूद, और मिनरल्स में कौन से मिनरल्स मौजूद हो, या कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद या कैल्शियम ऑक्सलेट मौजूद हो, सो द मेन जो मतलब मतलब कैजुअल एजेंट्स है उसमें एक कैल्शियम फॉस्फेट आता है, कैल्शियम फॉस्फेट, एंड द सेकंड इज अ कैल्शियम ऑक्सलेट या लेस इनटेक ऑफ वाटर या पानी लेस इनटेक ऑफ वाटर उसकी कमी हो. सो व्हेन ब्लड कम टू वर्ड दी किडनी, जब मतलब ब्लड किडनीज की तरफ आती है के लिए पेल्ट्रेशन के लिए मतलब साफ होने के लिए. सो अगर हमारे खुराक के अंदर गज़ा के अंदर मिनरल्स की मतलब ज़्यादा हो मतलब एक्सेस हो, उसकी वजह से इसकी जो रिमेनिंग जो पार्टिकल्स होगी या लेस इनटेक ऑफ वाटर की वजह से छोटे छोटे जो ज़र्रात होंगे मतलब कैल्शियम्स के या वगैरह मतलब कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम के ऑक्सलेट के आराम आराम से वहाँ पर मतलब जमा होगी, और जमा होने की वजह से वो एक शेप इख्तियार करेगी, और उस शेप को कहते हैं, वो सॉफ्ट शेप को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कैलस. कैलस शुरू में तो बहुत नरम होता है, लेकिन बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम, डिपोजिशन ऑफ डिफरेंट मटीरियल पार्टिकल की वजह से कैलस का जो शेप है वो मतलब रक्त भरा मतलब टाइम टू टाइम मतलब वो मतलब बड़ा भी हो जाता है और सख्त भी हो जाता है, जो जिसे हम मतलब लास्ट में होते हैं हम कहते हैं स्टोन कहते हैं. सो चूंकि स्टोन का ताल्लुक जो ना किडनीज के साथ है, इसलिए इसको किडनी स्टोन्स कहते हैं. ह्यूमन बॉडी के अंदर मेजॉरिटी जो किडनी स्टोन्स है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से है. तकरीबन 70% जो है ना जो किडनी स्टोन जो काज होती है इंसान ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से होती है. और कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट कौन से गज़ा के अंदर ज़्यादा होती है,
जितनी भी मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स है, मतलब स्पेनच वगैरह, इसके अलावा टोमेटो, टोमेटो में मतलब ऑक्जेलिक एसिड मौजूद होता है जिसकी वजह से कैल्शियम मतलब ऑक्जेलेट उसमें ज़्यादा होती है, तो उसको उसकी ज़्यादा खाने की वजह से ह्यूमन बॉडी के अंदर छोटे छोटे ज़रात बन जा मतलब रह जाते हैं किडनीज के अंदर, और उन ज़रात के मतलब जमा होने से जो मास होता है सॉलिड उसे कैलस कहते हैं, और कैलस के सख्त होने उसे मतलब स्टोन कहते हैं, सो इसको हम कहते हैं किडनी स्टोन। फेल्योर कहते हैं किसी चीज़ का मतलब एबनॉर्मल होना या नाकाम होना उसे कहते हैं फेल्योर कहते हैं, और चूंकि रीनल जो है ना बायोलॉजिकल टर्म्स है इसका ताल्लुक जो है ना किडनीज के साथ है, किस चीज़ के साथ है किडनी, सो किडनी की वर्किंग जो है ना वो खत्म होना मतलब किडनी की जो वर्किंग है उसको वो स्टॉप होना रीनल फेल्योर कहते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर फेल्योर की दो अकसाम है, एक होता है एक्यूट रीनल फेल्योर और एक होता है क्रॉनिक, एक का ताल्लुक जो है ना एक्यूट के साथ है, एक एक्यूट मतलब रीनल फेल्योर है और एक जो है ना क्रॉनिक है रीनल फेल्योर है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रीनल फेल्योर मतलब कैसे होता है, सो किडनी के अंदर एक महसूस पार्ट है और उस पार्ट को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, क्या कहते हैं उसको ग्लोमेरुलस। सो ग्लोमेरुलस के अंदर बोमेस कैप्सूल है और बोमेस कैप्सूल के अंदर एक नेटवर्क मौजूद होता है उसे कहते हैं ग्लोमेरुलस कहते हैं। जब हम हद से ज़्यादा मेडिसिन लेते हैं एक्स्ट्रा मेडिसिन वगैरह उसकी साइड इफेक्ट्स की वजह से या लेस इनटेक ऑफ वाटर की वजह से मतलब पानी की कम इस्तेमाल की वजह से या वी शुड ईट मतलब मोर फूड विच इज़ हाई कैलोरीज वाली मतलब खुराक हो या मतलब उसमें ज़्यादातर मकदार में मतलब मिनरल्स मौजूद हो उससे किडनीज के अंदर किडनी स्टोन्स पैदा होते हैं। जब किडनी स्टोन्स इतने बड़े हो जाए मतलब जो मतलब ग्लोमेरुलस को मुकम्मल तौर पर या हाफ मतलब उसको डैमेज करें उसकी वजह से ग्लोमेरुलस की, क्योंकि वी नो दैट ग्लोमेरुलस की क्या एक्टिविटी है, ग्लोमेरुलस की एक्टिविटी ये है कि ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को मतलब साफ करना, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ ग्लोमेरुलस। जब ग्लोमेरुलस मतलब डैमेज होगा सो ब्लड को मतलब द ब्लड कैन नॉट बी फिल्टर्ड, सो ब्लड को साफ नहीं किया जा सकता, सो इस कंडीशन को कहते हैं रीनल फेल्योर कहते हैं। अगर रीनल फेल्योर जो ना खुद बहुत अचानक हो इंसान को किसी वेसल्स के बंद होने की वजह से, हार्ट और किडनीज के दरमियान जो वेसल्स है ब्लड वेसल है उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाए, किस वजह से लिपिड्स की डिपोजिशन की वजह से या इंसान के अंदर लिपिड्स का मिकदार ज्यादा, कोलेस्ट्रोल का मिकदार ज्यादा हो जाए या मिसाल के तौर पर कोई ब्लड वेसल हो उसके अंदर जो ना प्लेटलेट्स की क्लॉटिंग की वजह से वहां पर क्लॉट बन जाए और क्लॉट बन मतलब बन जाने की वजह से ब्लड की ब्लॉकेज होती है और ब्लड की ब्लॉकेज होने की वजह से सो किडनीज को ब्लड मतलब सप्लाई नहीं होती जिसकी वजह से किडनी किडनी एक्टिविटी वो स्टॉप होती है और उसकी वजह से किडनी जो ना मतलब वो जो कंडीशन इख्तियार करता है उसे कहते हैं एक्यूट रीनल फेल्योर। सो एक्यूट अचानक होता है, पहले से नहीं होता मतलब अचानक मतलब होता है सडनली होता है उसे कहते हैं एक्यूट रीनल फेल्योर कहते हैं। मेडिसिन की वजह से भी हो सकता है या ब्लॉकेज आप एनी आर्टरीज की वजह से। सो जो क्रोनिक रीनल फेल्योर है वो ये मतलब जो पुराना हो मतलब पहले ही से इंसान के अंदर मतलब किडनी की मसाइल मौजूद हो या ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई भी मतलब पहले से मतलब कोई प्रॉब्लम मौजूद हो जिसकी वजह से हम ज़्यादा मेडिसिन वगैरह मतलब टेकअप करते हैं मतलब लेते हैं और उन मेडिसिन की वजह से किडनी पर बुरा असर पड़ता हो सो उसको हम कहते हैं क्रोनिक मतलब रीनल फेल्योर कहते हैं। और दोनों में मतलब किडनी की जो वर्किंग है या एक किडनी या दोनों किडनी की जो वर्किंग है वो स्टॉप होती है मतलब डैमेज हो जाती है इसको हम कहते हैं रीनल फेल्योर कहते हैं।